लाश मिली थोड़ी थोड़ी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आपको। आज है 22 अप्रैल और आज है मेरी छोटू भाई का बर्थडे। मेरे साथ हैं पापा, मम्मा, सब तैयार हुए हैं। मैंने केक खरीदा है, दोबारा शूट करते ऐसा लग रहा था मेरा काम बस केक खरीदने का ही है। तो ये बर्थडे स्पेशल इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर इस बर्थडे पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो कैसा फील हो रहा है डैडी? इस बार हाँ सीट बेल्ट लगा रही हूँ, इस बार आपके बर्थडे पे लॉकडाउन नहीं है। पहले से तो अच्छा लग रहा है, पिछली बार वाले से ना, पिछली बार तो मेरा बनाया हुआ केक खाया था बेचारे, बट इट वाज गुड। आज मेरे भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे। हेलो भाई और बहनों, थैंक यू बोलो। सब लोग इतना विश कर रहे हैं आपको, इंस्टाग्राम पे 5-6 विशेस आ गई सिर्फ एक स्टोरी पे। हाँ, और इतनी सारी व्हाट्सएप पे है और सब आपकी एंडिंग की भी तारीफ कर रहे हैं। अब आप ही एंड करोगे रोज मेरा व्लॉग? मुझे बस वो एंडिंग वाली याद है बोलने। तो मेरे पूरे केबिन में चीजें ना पापा की बनाई हुई है, ये पीछे जो लिखा हुआ है, ये यहाँ से जो पेंटिंग दिख रही है वो, और क्या बना था, और ये जो पीछे लगा हुआ है ये सब पापा की करामात है। पापा कहते तूने आज तक किसी व्लॉग में बताया था है नहीं लोगों को, मैंने कहा ये शायद मैंने मिस कर दिया होगा। थैंक यू। ये 100 के 100 वीडियोस मेरी हो गई थी, अब तो 200 हो गई है। इलायची अदरक इज अ गुड थिंग। लायो? गुड क्वेश्चन। लायो? गुड क्वेश्चन। दिस इज द पॉइंट ऑफ बॉय। यू लुक गुड डैडी। थैंक यू। यू आर नॉट एंग्री नो, बिकॉज़ देयर आर नो गिफ्ट्स। यू आर स्लाइटली डिप्रेस्ड। कास्ट सर ने स्पेशली बोला था मेरे बर्थडे पे कोई हील्स पहन के नहीं आएगा, और इन महानुभाव के हील्स देखो आप साइड में ना, ये एक नंबर हो रही थी। एक ये भी आया पीछे, अमिताभ बच्चन। आज फिर मम्मी गालियां देगी, मम्मी कही बहुत बेटा बहुत मटक लिए। मैंने ये ड्रेस जो है जूडियो से ली थी, और इसका जो ये नॉट है, आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको आगे बांधूं। मैंने घर पे बोला मम्मा को अच्छा लग रहा है, बट मम्मा वाज लाइक नहीं पीछे बांधो, आगे बांधने का क्या मतलब, यहाँ आई तो सब बोल रहे हैं आगे अच्छा लग रहा है। आज तो बेइज्जती नहीं करोगे आप मेरी? पिछले व्लॉग की तरह बेइज्जती करोगे? नहीं करोगे ना? ना। लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। सो जिसने भी मम्मा के लिए कमेंट किया है ना कि ये बहुत अच्छी नारी है एंड एवरीथिंग, थैंक यू। मेरे में कुछ बुराई है? कांटे लगे मेरे में? मैंने कुछ बोला, गलत बोला तुम लोगों को? व्लॉग मेरा, तारीफ किसी और की, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। डैडी छोटा करके बता दो ना। चलो अच्छा बाद में, फिर बाद में याद ये मट्टू एक डॉगी का नाम था, और वहाँ पे एक पैरेट भी था, उसका नाम था टिंगरी। तो आशा मैम को मैं कहता था कि आप टिंगरी हो, और ये ना मजाक में बोलते थे कि तू माटू है, मतलब मैं डॉगी हूँ वहाँ पे। कुछ दिन बाद ये हुआ, टिंगरी के ना लाश मिली थोड़ी थोड़ी, इस तरफ कुतरे पड़े थे, तो फिर तब से मजाक करते हैं कि मट्टू ने वो लड़ाई में, बाद में नहीं, वो लेडी बाद में घर आए हमारे, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा और टिंगरी कैसी है, वो बोलने वाली थी, पक्षी थी लेकिन वो बोलती थी, मैं ना सारी चीजों का जवाब देती थी, और आ गई है और चली गई है, तो हम उससे हमेशा पूछते थे, मैंने कहा वो कैसी है, उनको क्या हुआ, कह रहे वो तो बेटा मट्टू ने उसके पंख उखाड़ दिए। सो मट्टू एक्चुअली किल्ड टिंगरी इन द एंड। अगर आप सिंदूर लगाओगे आप उंगली पहले धो के आओगे? पहले धो के आऊं फिर सिंदूर? मम्मा लॉस्ट इट। ये कुर्ता पजामे का कपड़ा था वो जो मैं लेने गई थी, जो वो व्लॉग डल नहीं पाया।
इश्क दे उन्हें आपको। देखो मेरे घर में ना हर नाम को बिगाड़ देते हैं। 500 रुपए टिकट। आकाश को आकाश थोड़ी बोलते, आकाश मैं आसू तू ने आ दूध लाओ पुत्र बोलो यशस्वी कर छो दीदी बोलो बड़ा हम ले ये तो ऐसा लग रहा है तू वोट मांग रहा है पर नाम नहीं दे किधर से काट सर देख लो लेंस ये मुझे देखो तुम पीछे होना पड़ रहा है तब सारे आ रहे हैं हैप्पी बर्थडे शूट्स के लिए पता करेंगे 5,000 रुपए लूंगी बस हाँ 500 रुपए मेरा असिस्टेंट लेगा फिर ठीक है 500 में भी सही लग रहा है इसको पापा जी गेटिंग बोर्ड गिफ्ट मिल चुके हैं एक और गिफ्ट सर एक मिनट तरफ से मैंने रात को भी दिया था ये इसको लेकिन इसने देखा नहीं था शांति से बैठ के केक खाएंगे आज तमीज से क्योंकि हम लिपस्टिक लगाए हैं आज पिछले उसमें लक्ष्मी का फास्ट था आज नेहा का फास्ट है फास्ट का फैशन चल रहा है फास्ट फैशन सॉरी 55% चोको ये मैंने देखा हुआ है ऊपर मम्मा ऊपर उसे भी देखो मम्मी पासपोर्ट कब अरे वाह छोटी सी इंफॉर्मेशन इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं और एक व्लॉग था जिसको मैंने 2 बार रेंडर करा 2 बार रोई लेकिन फॉर सम रीजन वो व्लॉग रेंडर नहीं हो पाया और आप लोगों तक ये 15 दिन का गैप जो है ना और ज्यादा बढ़ गया नहीं तो आपको व्लॉग 3-4 दिन पहले मिल जाता तो उसमें वो जो मैंने ब्लाइंड्स लगाई अपने केबिन की वो भी थी ये जब रिसीव हुआ वो भी था हमारा रिस्पॉन्स भी था भगवान की मर्जी थी कि वो जाए ये पासपोर्ट होल्डर है 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड क्रेडिट थैंक यू इससे मैं अपना पासपोर्ट बना के घूमना अच्छा दिस इज अ पासपोर्ट होल्डर ऐसे निकलेगा और इसकी सर ये क्या फीचर था यस पुराने मुंशी मुंशी वो आप गए मुंशी नजर मुंशी बुढ़ा करने के लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी बेटा मेरी मम्मी को कह दिया मैंने कहा मम्मा आप बुजुर्गों की तरह बिहेव करो को मम्मा भी लाइक मुझे नहीं बात करनी मैं कई बार ना घर पे मजाक में पापा को बोल देती हूँ मेरे बुढ़े पापा या फिर मेरे बुढ़ाऊ पापा आपके मुंह से जो निकली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आपको बहुत मजा ले रही है बट सर मुंशी फायर करो नया मुंशी चाहिए मुंशी जी बात में वजन नहीं है तो कहता मुंशी जी ये कौन सी दुकान पे मिलता है बच्चे का फास्ट है आज इन्होंने मुझे मोटा बोला आप ही आज कह रहे थे कौन बोल रहा है हमने बोला है सच्ची में मुझे तो वो बोलता ही खुला ही बोलता घर पे लेकिन तुम्हारा नहीं पता था ये कानों में बोलते हैं दूसरे के कोई ये मैंने ऑफिस में पोल लिए पाल रखे वो एक्चुअली दूध का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है ना सर तो एक्चुअली हम पूजा मैम को छेड़ते होते हैं ये बोल के कि उनका ना दूध दही वाले कोई इधर पीछे डीलर है उनसे अफेयर चल रहा है ऐसे जबरदस्ती क्योंकि इन्हें दही की बड़ी क्रेविंग होती है और फिर ये दही देख के खुश हो जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये भैया को देख के खुश होते हैं सो भैया बोलते ही हो क्या मानते भी हो दूध का डायलॉग मुझे इतना सही लगता है कि दीदी बोलते भी हो या मानते भी हो क्या मस्त फोटो आई है क्या खा रहे हैं सब लोग पिज़्ज़ा
देखो पिज्जा। ओले प्यारे ने इसको देखो था ना, कर लो कसम, चार बंदे हम, पांच राशन देखो हमारा उठ गया, इसी में गिर गया। वाओ पिज्जा उसे हम हवा के मजे ले रहे हैं दोनों, क्या मस्त फिल्मी फीलिंग आ रही है हमें, क्या बात है। जस्ट इमेजिन अस इन अ रोम कॉम विद आवर हेयर, यू नो मेरे तो बंदे हुए नहीं तोड़ रहे होते, लो खोल लेते हैं थोड़े से फिल्मी फीलिंग आ रही है। उड़ो भाई उड़ो, खूब उड़ो। मम्मी पापा के लिए ना बहुत मुश्किल सा हो जाता है बेचारों के लिए, पूरा दिन ऑफिस में काटना, फिर हमें ना आदत है, उनको रेस्ट भी चाहिए होता है, चलना फिरना भी चाहिए होता है। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाने पड़े, करने पड़ते हैं, क्या करें, उम्र है ना, सस्ते माधुर लोग वेट कर रहे हैं अपनी फोटो का। हमने ग्रुप फोटो खींच रहे थे, मम्मी बेचारा बीच में ही रह गया, कह रहे मैं कहाँ जाऊँ, वो फोटो मैं डाल लूंगी यहाँ पे जी, ये ग्रुप फोटो के लिए खड़े हैं लोग, ₹5 पर कॉपी। सो दैट वाज इट गाइस, बहुत हो गया, बस आज का ब्लॉग खत्म हो गया। सर ब्लॉग की एंडिंग करो, बहुत जबरदस्त ऐसा धुआंधार व्यूज पे व्यूज बरस जाने चाहिए। चलो बोल के देखता हूँ। हाँ बोलो 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 सर, बोलो बोलो, नहीं यू डूइंग गुड। हाँ जी जी भाइयों, वीडियो को लाइक कर दियो, नहीं भाइयों वीडियो को लाइक नहीं, सोचता हूँ इफेक्ट नहीं आया, इफेक्ट नहीं आया, इफेक्ट नहीं आया, यहाँ पे रखो ना, यहाँ पे रखो। भाइयों वीडियो को कर दियो लाइक और चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, और बेल आइकन, बेल आइकन पे बोलो, बेल आइकन पे दबा दियो, देख ही जाएगी मम्मा। बोलो बोलो बोलो, कमेंट करना, कमेंट करना। चलो दैट वाज इट, आप सभी ने पिछले व्लॉग में बहुत तारीफें की हैं यार हर किसी की, और मम्मी की स्पेशली, सो थैंक यू सो मच। होली वाले व्लॉग को भी बहुत प्यार मिला था, सो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। ईटिंग शुगर है ना, eating sugar। अब मैं सबको पहले बता दूं, मेरी नानी जी जो है इस दुनिया में नहीं है, तब से वो मुझे दे गए थे ये अधिकार, सो इनको डांट फटकार के सही रखने और सही इनके रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी मेरी है। सो यस, मैंने मुक्का मारती नहीं हूँ, बट मारने का ड्रामा तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना हूँ ना भाई साहब, वो जो आधी किलो का चॉकलेट केक आया है ना, तो दूसरों को चूरा ही मिलेगा बस उसका। एंड मम्मी जो है ना वो डायबिटिक है, और इनका कंट्रोल जीरो है, जीरो जितना भी है बस मेरा ही भय है। क्या कहना चाहेंगे सपना जी इस बारे में? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य सत्य। नो शेम, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। नहीं वही बोलो जो पहले बोला, तो डर क्यों रहे हो? मेरी बेटी बहुत खराब है जी, मेरे को ऐसे डर लगता है उससे जैसे अपनी माँ से लगता है। हाँ, लगेगा नहीं फिर। पापा आपको भी लगता ना मेरे से डर? पापा से, पापा बोलो ना, सर बोलो, लगता नहीं, लगता दहशत रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब ड्रामे हो रहे हैं और कुछ नहीं है, मेरा भय होता ना तो दोनों बिल्कुल सही होते हैं। चलेंगे जी, इनको भी तो निकालूंगा।